दोस्तों बेबाक खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हेडलाइंस इंडिया और इस बेल आइकन को दबाकर खबरें पाएं सबसे पहले। एक बार फिर से कानपुर की डीआईजी सोनिया सिंह सुर्खियों में हैं। वैसे तो अपराधी उनके नाम से ही थर थर कांपते हैं, लेकिन इस बार सोनिया सिंह ने ऐसा किया कि लोगों ने सैल्यूट कर दिया। जी हाँ, कानपुर की कानून व्यवस्था संभाल रही डीआईजी सोनिया सिंह जब मार्च पर निकली तो लोग हैरान रह गए। उनके साथ डीएम सुरेंद्र सिंह भी थे। दोनों अफसरों के पीछे भारी पुलिस फोर्स थी। कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सोनिया सिंह बाइक पर ही सवार हो गई। डीआईजी सोनिया सिंह ब्लैक चश्मा पहनकर एक महिला दरोगा के पीछे बाइक पर बैठी थी। उनकी इस शैली को देखकर लोगों की जुबान पर उनके एक्शन की चर्चा थी और लोग तारीफ कर रहे थे। 2003 बैच की आईपीएस सोनिया सिंह अपनी तेज तर्रार छवि के लिए जानी जाती है। उन्हें मई 2017 में कानपुर का नया कप्तान बनाया गया। शहर में कानून का राज हो, लोगों में इसके प्रति भरोसा बढ़े, इसके लिए सोनिया सिंह एक तरफ जहां अपने मातहतों के साथ नई रणनीति पर काम कर रही हैं, वहीं थानेदारों और पुलिस वालों पर भी नजर बनाए हुए हैं। सोनिया सिंह को सख्त छवि के कारण ही उन्हें इलाके की लेडी सिंघम के रूप में जाना जाता है। आपको बता दें कि जुलाई में उन्होंने 600 स्पेशल पुलिस अफसरों की कार्यशैली ठीक ना होने के कारण उन्हें बर्खास्त कर दिया था। उनका कहना था कि इस एसपीओ का गठन पुलिस विभाग को सहयोग करने के साथ आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखना था, लेकिन खुद इनकी कार्यशैली ठीक नहीं है। और अब जैसे ही लेडी सिंघम बाइक पर सवार हुई तो लोगों ने उनकी तारीफ भी की और उन्हें सैल्यूट भी किया। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन इस खबर को लाइक और शेयर कीजिए और हेडलाइंस इंडिया को पल पल की अपडेट के लिए बिल्कुल फ्री में अभी सब्सक्राइब कीजिए।